नमस्कार साथियों मैं डॉक्टर हेमेंद्र अग्रवाल नारायणा हॉस्पिटल जयपुर से जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट कुछ वीडियोस की सीरीज़ हमने चालू की है लिगामेंट्स एंड स्पोर्ट्स इंजरी के रिगार्डिंग उसी को आगे लेके जाते हैं नी के अदर लिगामेंट के बारे में इन वीडियोस में चर्चा करते हैं नी का प्रमुख लिगामेंट ए जिसके बारे में हमने कुछ पुराने वीडियोज़ में बताया अब आज बात करेंगे नी के अदर महत्वपूर्ण लिगामेंट जो है पी सी एल लेगामेंट पी सी एल मीन्स पोस्टियर क्रूशिएट लेगामेंट ये नी का मॉडल है नी का ये अपर बोन है लोअर बोन है और ये नी का जॉइंट है अब पोस्टियर क्रूशियट लेगामेंट पोस्टियर मीन्स पीछे की तरफ क्रोशियट मतलब एक क्रॉस स्ट्रक्चर और लिगामेंट मीन्स जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है ये एक एक ऑब्लिक लिगामेंट होता है जो नी के पीछे की सतह पोस्टियर सरफेस पे होता है जो टीबिया नीचे वाली हड्डी से फीमर वाली हड्डी पे क्रॉस ली जाता है अगर आप इसको इस 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 शेप में देखते हैं तो ये मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल मतलब अंदर अंदर वाले फीमर के कोंडाइल पे जुड़ता है ए सी एल आपके बाहर वाले कोंडाइल पे जुड़ता है इसीलिए क्रिस क्रॉस एक एस शेप स्ट्रक्चर एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं अब पोस्टरक्रूशियट लिगामेंट की क्या अनाटमी है और कैसे इसको चोट लगती है क्या करते हैं इस बारे में हम वीडियोज़ में चर्चा करते हैं इसकी अनाटमी हमने बताई आपको कि पोस्टर टिबियल सरफेस से ये मीडियल कॉन्डाइल तक जाता है पोस्टीरियर क्रूशिड लिगामेंट थिक होता है एसीयल से ऑलमोस्ट डबल थिकनेस में होता है इसीलिए इसकी इंजरीज भी लेस कॉमन है इसको जल्दी से क्षति नहीं पहुंचती और ये मोर स्टेबलाइजिंग होता है क्या इसका फंक्शन होता है फंक्शन होता है कि टीबिया को पोस्टीरियरली सैग नहीं होने देता जब भी नी का मूवमेंट होता है तो जो टीबिया के सरफेस को ये पीछे नहीं जाने देता तो पोस्ट्रियर टीबियल ट्रांसलेशन को ये रोक के रखता है और इसमें भी दो बंडल होते हैं एंट्रियोलेट्रल बंडल पोस्ट्रोमीडियल बंडल दो बंडल एक फ्लेक्शन में एक एक्सटेंशन में नी की स्टेबिलिटी देते हैं सो दैट की नी राउंडली अपने आराम से मूवमेंट करे और आपके नी में कोई भी इनस्टेबिलिटी नहीं महसूस करे। अब इसमें इंजरीज कब होती हैं कैसे होती हैं ये बताते हैं यूजली ये हाई एंड स्पोर्ट्स प्लेयर्स में कॉमन है दो तरह की इंजरीज इसको हम कहते हैं पी की एक तो एक्यूट इंजरी जो तुरंत किसी कारण चोट से हुई है क्रोनिक इंजरी जो थोड़ी 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 इंजरीज को इकट्ठी करते हुए समय के साथ पीसीएल टूट गया एक्यूट इंजरी मोर कॉमन है स्पोर्ट्स प्लेयर मेनली कॉन्टैक्ट स्पोर्ट जो कबड्डी खेलते हैं हॉकी खेलते हैं बास्केटबॉल खेलते हैं जिसमें एक दूसरे से भिड़ने की चांसेस रहते हैं या जो जंप करके नी पे लैंड करते हैं तो जब नी पे लैंड करते हैं किसी भी मूवमेंट में जब पोस्टीरियरली बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है तो ये नी पे पी पीसीएल की इंजरी हो जाती है क्रोनिक टीयर विद 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 टाइम जो इंजरीज हैं वो एक साथ इकट्ठी होती गई और धीरे धीरे जो चोट करता गया और पी सी एंड में गिवअप करके ब्रेक हो गया इसकी इंजरी को हमने तीन ग्रेड में डिवाइड किया है ग्रेड वन टू थ्री चीफली ग्रेड फोर भी कहते हैं कई बार ग्रेड वन क्या हुआ एक माइक्रोस्कोपिक टीयर्स हो गए मीन्स कि एक एक चोट लगी लिगामेंट को और वो खिंच गया अंदर थोड़े थोड़े फाइबर्स उसके टूट गए जिसे पार्शियल टीयर भी कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक टीयर भी कह सकते हैं या लिगामेंट का स्प्रेन भी कह सकते हैं ये होता है ग्रेड वन टीयर ग्रेड टू टीयर क्या होता है जब जब पार्शियल टीयर तो हुआ पर उसमें थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी भी आ गई घुटना थोड़ा सा हिलने लग गया ग्रेड थ्री टीयर जब पी को पूरी क्षति पहुंची, पूरा टीयर हो गया और घुटना मोर हिलने लग गया मोर अनस्टेबल हो गया ये ग्रेडिंग है आपको क्या सिम्टम आएंगे आपको सिम्टम आएंगे चलते समय घुटना लचकना कि घुटना जब भी आप चल रहे हैं तो आप दौड़ नहीं पाएंगे चलते चलते रुक नहीं पाएंगे रुकते हुए आप रोटेट करते हैं, आपको तकलीफ होगी रोटेशनल इनस्टेबिलिटी भी होती है बिकॉज ए सी एल हो और पी सी एल हो ये दो लिगामेंट घुटने की रोटेशन स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं चीफली पी सी एल घुटने की अबडक्शन एडक्शन मीन्स कि कि ये नी है नी की दो लिगामेंट है एम सी एल एल सी एल ये घुटने के बाहर अंदर जाने से रोकते हैं पर एड ऑन ये पी सी एल भी इस इस मूवमेंट को रोकता है कि एबडक्शन एडक्शन को रोकता है इवन रोटेशन को भी रोकता है तो ए तो जब भी पी सी एल की इंजरी होगी आपको रोटेशनल इनस्टेबिलिटी एबडक्शन और ट्रांसलेशन ये सारे सिम्टम्स आपको फील होंगे अब इसमें शुरुआत में क्या होगा जब चोट लगेगी तो सेम हैपेंस विद एनी इंजरी घुटने में स्वेलिंग होगी पेन होगा चलने में तकलीफ होगी अब डॉक्टर के पास जाएंगे डॉक्टर क्लिनिकली टेस्ट करेंगे अब क्लिनिकली सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ टेस्ट हैं जिसमें हम मोस्ट कॉमनली करते हैं पोस्टियर ड्रॉ टेस्ट पोस्टियर ड्रॉ मीन्स कि घुटने को आप बैंड करेंगे बेंड करने के बाद क्लिनिकली उसको हम जब भी आगे करते हैं तो उसे उस एंटीड्रॉर कहते हैं जो ए के लिए देखा जाता है पोस्टियर ड्रॉर मतलब तो पीछे धक्का देंगे पीछे धक्का दे आप घुटने पी की स्ट्रेंथ को जाँचते हैं एक्यूट इंजरी जब स्वेलिंग होती है तो यूजुअली ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होता है पर दो तीन दिन में जैसे ही स्वेलिंग कम होगी तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से रिवील हो जाता है कि पीसीएल को कितनी चोट है तो अगर पोस्टीरियर ड्रॉ टेस्ट पॉजिटिव है कि पोस्टीरियर टीबिया का ट्रांसलेशन मोर देन टेन टेन एम एम ए या लेस देन टेन एम एम ए ये आपको डिफाइन करता है कि कितनी इंजरी उसको है अदर साइन है सेग साइन की घुटने को आप बैंड करते हैं तो ये जो क्वाड्रिसेप्स का जो टेंडन है पर्टिकुलर टेंडन ये ये घुटना सेग कर चुका होता है तो ये सेग साइन होता है एक्टिव क्वाड्रिसेप्स टेस्ट ये डिफरेंट टेस्ट हैं जो क्लिनिकली देखे जाते हैं जब पता लगता है कि इसमें पी सी एल की चोट है साथ में एसोसिएटेड भी क्या होती हैं दो तरह की चीज़ें या तो आइसोलेटेड पी सी टीयर होगा मतलब सिर्फ पी टूटा या फिर अदर इंजरीज़ भी हुई जिसे हम ग्रेड फोर भी कहते हैं या कॉनकमटेंट इंजरीज भी कहते हैं जब अदर लिगामेंट्स भी इंजर होते हैं मोस्ट कॉमनली पी के साथ एक तो पी एल सी मतलब पोस्टो कॉर्नर इंजरीज जो जो घुटने की बाहर वाले ये वाली जो है पोस्टियोलेटल कॉर्नर जिसमें लेटर को लेटर लेगामेंट भी आता है पॉपुलटर स्टेंडन भी आता है पोस्टीर ऑब्लिक लेगामेंट भी आता है इनको इंजरी होती है तो पोस्टीरियरली ऑब्लिक जो स्ट्रक्चर है उनकी इनस्टेबिलिटी भी होती है एसोसिएटेड तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे पी एल सी इंजरीज कहते हैं उसको भी इम्पॉर्टेंटली आपके क्लिनिशियन देखेंगे और डिफाइन करेंगे ये मेनली डायल टेस्ट से हम देखते हैं कि पेशेंट को उल्टा लेटाते हैं उल्टा लेटाने के बाद नी को बेंड किया एक बार 30 डिग्री पे नी का रोटेशन देखते हैं एक्सटर्नल रोटेशन एक बार 90 डिग्री पे देखते हैं अगर एक्सटर्नल रोटेशन ज़्यादा आता है तो पी इंजरीज़ में कंसिडर होती हैं तो तो ये सारी ये ये सारी चीज़ें हैं कि पी पी को क्या क्या इंजरी हो सकती हैं क्या ग्रेडिंग है क्या एसोसिएशन है सारांश में PCL इंडिविजुअली टूट सकता है साथ में लिगामेंट्स के टूट सकता है ग्रेड वन टू थ्री तीन तरह से चोट सकता है आपको सिम्टम इनस्टेबिलिटी का आएगा अब आगे क्या करना है आगे के बारे में क्या इसका डायग्नोसिस करते हैं कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू